बॉलीवुड की दुनिया बड़ी ही अजीबोगरीब है। यहाँ कभी भी कोई अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुँच सकता है। कल तक जिसे कोई नहीं जानता था, आज उसे पूरा भारत जानने लगा है। एक ऐसी ही बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं तमन्ना भाटिया, जिन्हें उनकी फिल्म बाहुबली से पूरे देश में पहचान मिली है। हालांकि तमन्ना इससे पहले भी कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं। बॉलीवुड में तमन्ना को हिम्मत वाला और एंटरटेनमेंट जैसी फिल्मों से पहचान मिली। हालांकि उनकी फिल्म हिम्मत वाला बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, जिसकी वजह से दर्शकों पर वो अपना असर छोड़ने में नाकामयाब हुई थी। तमन्ना को बचपन से ही अभिनय का शौक था। जब वो अपने स्कूल के एक नाटक में स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, तो उनकी अदाकारी से प्रभावित होकर उन्हें पृथ्वी थिएटर में काम करने का मौका मिला था। ये थिएटर शशि कपूर का था, जो उन्होंने पृथ्वीराज कपूर की याद में बनाया था। तमन्ना ने यहाँ लगभग एक साल तक काम किया। तमन्ना ने पहली बार बॉलीवुड की फिल्म चांद सा रोशन चेहरा में 2005 में ही काम किया था। ये फिल्म कुछ खास असर तो नहीं छोड़ पाई, लेकिन तमन्ना को पहचान मिलने लगी। इसके बाद से तमन्ना दक्षिण भारत की फिल्मों में नजर आने लगी। 2005 में ही तमन्ना इंडियन आइडल सीजन 1 के विजेता अभिजीत सावंत के साथ एक म्यूजिक वीडियो में दिखी थी। 2005 में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म श्री से साउथ में डेब्यू किया था। चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाने वाली तमन्ना कई विज्ञापनों में भी दिखाई दे चुकी हैं। उन्होंने कई मशहूर ब्रांड्स के लिए विज्ञापन भी किया है। तमन्ना एक विज्ञापन में कप्तान कोहली के साथ भी काम कर चुकी हैं। तमन्ना और कप्तान कोहली ने एक साथ सेलकॉन मोबाइल के विज्ञापन के लिए काम किया था। ये विज्ञापन 2012 में आया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।